कसौधन वैश्य समाज भिलाई के लिए बनने जा रहे सामाजिक भवन का भूमि पूजन शनिवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया। विधायक ने समाज के पदाधिकारियों से भी चर्चा की और भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कसौधन वैश्य समाज द्वारा एक सामाजिक भवन की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जिसके लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया था। विधायक देवेंद्र ने समाज के लिए भवन की मांग को गंभीरता से लेते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग के किनारे भूमि उपलब्ध कराई। समाज के लिए आवंटित भूमि पर भवन निर्माण के लिए विधायक देवेंद्र यादव ने भूमि पूजन किया। विधायक ने समाज के पदाधिकारियों से चर्चा की और भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके पूर्व विधायक देवेंद्र यादव का कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर समाज के महिला और पुरुष पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार और टोपी पहनाकर स्वागत कर मुंह मीठा कराया गया। भूमि पूजन को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ऐसा है कि वैश्य समाज पूरे भिलाई के आज तक के ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जिस तरीके से आप देखे हैं हर सामाजिक गतिविधि में सर समाज के हित में वैश्य समाज आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है। कोविड का समय हो या कोई अन्य समय हो, वैश्य समाज ने हमेशा अपनी भूमिका सामाजिक हित में स्थापित की है। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले कई दशकों से इनकी जो डिमांड थी भवन की और इनकी एक ऐसी जगह की जहाँ पर ये सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ा सकें, वो नहीं पूरी हो पा रही थी। मैं जब महापौर बना था उस समय मैंने इनको कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारा अवसर आएगा, तो हम ज़रूर इसको करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से, मार्गदर्शन से आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा हुआ। हम जल्द इसका इस हॉल को कंप्लीट करेंगे और इसकी उपयोगिता बच्चों की भलाई में, महिला सशक्तिकरण में समाज करेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। समाज के भवन के लिए भूमि पूजन किए जाने पर विधायक देवेंद्र का आभार जताते हुए समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज यहाँ पर हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र जी यादव द्वारा समाज को एक भवन लोकार्पण करने की घोषणा की थी उन्होंने, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। इस भवन की लागत 7 लाख रुपए है। हम सारे समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उनके अथक प्रयासों से आज हमें हमारा भवन मिलने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। मैं सारे समाज की ओर से उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। और इस अवसर पर हमने, क्योंकि होली का त्यौहार सामने है, होली एक सार्वभौमिक त्यौहार है जिसमें सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, एक रंग में रंगते हैं, इसलिए हमने आज सारे समाज को यहाँ इकट्ठा किया है और आज हम यहाँ पर होली महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारी दशकों से जो अधूरी प्रार्थना और इच्छा थी भगवान से कि हमारा वैश्य समाज का एक भवन हो, उसकी पहली आधारशिला यहाँ पर माननीय श्री विधायक देवेंद्र यादव जी के द्वारा रखी गई। हम सभी वैश्य समाज की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके से भगवान निरंतर हमको भी प्रगति दे और देवेंद्र यादव भैया को भी प्रगति दे। हम इस समाज के भवन का जो उपयोग है कई मामलों में करना चाहते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हम अगर जो गरीब अनाथ बच्चे हैं और जो सहायता और निःशुल्क व्यवस्था चिकित्सा की जा सके, हम यहाँ पर उसके माध्यम से कर सकें, जिसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष शारदा भैया ने बहुत बहुत मेहनत की और बहुत तैयारी की थी, जिसका आज हमको ये फल मिला है, ये भवन हमको मिल सका है। इस पूरे कार्यक्रम में हमको महिला मंडल और हमारे जो कोर कमेटी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और पूरे मैं कसौधन वैश्य समाज का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ इस भवन के लिए। धन्यवाद। बहरहाल, इस अवसर पर कसौधन वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।